हाय गाइस, मैं आपकी होस्ट हर्षिता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेंड ज्ञान पर। तो गाइस, आज की वीडियो मजेदार होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड वुमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन के सेकंड ओडीआई के मैच प्रिडिक्शन के बारे में। तो ये मैच होने वाला है काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टॉल पे, इसलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं काउंटी ग्राउंड के बारे में ही। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके फैक्ट से ग्राउंड के। तो ये ग्राउंड ओपन हुआ था 1889 में। इसकी कैपेसिटी है लगभग 7,000, लेकिन ओडीआई में सीट्स बढ़ाकर 15,000 हो जाती है। इसको द रॉयल एंड सन एलेंस काउंटी ग्राउंड के नाम से भी जाना जाता है और इसके एंड्स के नेम है पवेलियन एंड एंड एशले डाउन रोड एंड। इसकी लोकेशन है ब्रिस्टल, इंग्लैंड। इसका टाइम जोन है UTC+01 और ये होम ग्राउंड है ग्लस्टरशायर टीम का। इस स्टेडियम में फ्लड लाइट्स भी हैं। अब चलते हैं हम स्टैट्स की तरफ। सबसे पहले देखते हैं T20 इंटरनेशनल के स्टैट। तो यहाँ पर अब तक सिर्फ 3 ही इंटरनेशनल T20 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने पर एक भी मैच नहीं जीता गया है और बैटिंग सेकंड करने पर ही तीनों मैचेस जीते गए हैं। एवरेज स्कोर फर्स्ट बैट का 159 है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर इंग्लैंड ने बनाया है 198 रन 9 विकेट्स पे। लोएस्ट स्कोर बनाए हैं इंग्लैंड ने ही 136 रन 9 विकेट्स पे। स्कोरिंग पैटर्न की बात करते हैं, बिलो 150 बन चुके हैं 2 बार यहाँ पर, स्कोर बिटवीन 150 एंड 169 0 बार, और स्कोर बिटवीन 170 एंड 189 0 बार, और अबव 190 यहाँ पर बना है 1 बार। अब चलते हैं ओडीआई की तरफ। ओडीआई के टोटल 17 मैचेस खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट करने पे 7 जीते गए हैं और बैटिंग सेकंड करने पर 10 जीते गए हैं। एवरेज स्कोर फर्स्ट बैट में 242 बनता है। हाईएस्ट स्कोर बनाया है इंग्लैंड ने 369 रन 9 विकेट्स में। लोएस्ट स्कोर बनाया है जिम्बाब्वे ने 92 रन 10 विकेट्स में। स्कोरिंग पैटर्न है इसका, बिलो 200 4 बार बना है, स्कोर बिटवीन 200 एंड 249 6 बार, स्कोर बिटवीन 250 एंड 299 2 बार, और अबव 300 यहाँ पर 5 बार बना है। अब बात करते हैं T20 डोमेस्टिक के स्टैट्स की। डोमेस्टिक यहाँ पर 41 मैचेस खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट करने पर 17 जीते गए हैं, बैटिंग सेकंड करने पर जीते गए हैं 24। एवरेज स्कोर फर्स्ट बैट का 166 है और हाईएस्ट स्कोर बनाया है यहाँ पे सुसेक्स टीम ने 242 रन 5 विकेट्स में। लोएस्ट बनाए हैं ग्लस्टरशायर टीम ने 101 रन 5 विकेट्स में। स्कोरिंग पैटर्न की बात करते हैं, बिलो 150 यहाँ पर 11 बार बना है, स्कोर बिटवीन 170 एंड 189 12 बार, और अबव 190 यहाँ पर बन चुके हैं डोमेस्टिक में 7 बार। तो ये हो गए T20 इंटरनेशनल, डोमेस्टिक और ओडीआई के स्टैट्स। अब हम बात करते हैं इंग्लैंड वुमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन के हेड टू हेड की ओडीआई फॉर्मेट में। तो ओडीआई फॉर्मेट में 29 मैचेस जीती है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जीती है 8 मैचेस, और ड्रॉ दोनों में से किसी का कोई मैच नहीं हुआ है, लेकिन एक मैच दोनों ही टीम्स का नो रिजल्ट रहा है। अब चलते हैं हम, आगे बढ़ते हैं काउंटी ग्राउंड की पिच रिपोर्ट की तरफ। तो आपको बता दें, इस पिच पर फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, लेकिन जो स्पिन बॉलर्स होते हैं वो बहुत कम ही विकेट ले पाते हैं। साथ ही साथ बैटिंग जो करते हैं बैट्समैन, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जो यहाँ की विकेट है वो फ्लैट होने वाली है और उन वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे बैट्समैन यहाँ पर। और जो पेस बॉलर्स होंगे उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है इस मैच में, इस पिच में, इस मैच में। तो अब चलते हैं हम वेदर रिपोर्ट की तरफ। टेम्परेचर होगा 24 डिग्री सेल्सियस, प्रेसिपिटेशन 24%, ह्यूमिडिटी 94%, और विंड की स्पीड होगी 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गई काउंटी ग्राउंड की पिच रिपोर्ट और वेदर रिपोर्ट। अब हम चलते हैं प्लेइंग 11 की तरफ, इंग्लैंड के और साउथ अफ्रीका दोनों के। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लैंड के प्लेइंग 11। तो यहाँ पर है हीदर नाइट जो कि कैप्टन है, फिर है सोफिया डंकली, नटालिया स्क्राइवर, एलिस डेविस्टन, एम एल लैम, टैमी एमिली अलॉट, केट क्रॉस और लॉरेन बेल, फ्रेयर डेविस और इसी वोंग। तो ये हो गए प्लेइंग 11 इंग्लैंड के। अब चलते हैं प्लेइंग 11 साउथ अफ्रीका के। तो यहाँ पर है एंड्री स्टाइन, लॉरा वर्ल्डरैंट, एनेके बसोच, नाडाइन लारा, त्रिशा चैटी, सिनालो जाफ्ता, शबनम इस्माइल, आया बोंगा, टूमी और नॉन कुलेकलेको। तो ये हो गए हमारे साउथ अफ्रीका के प्लेइंग 11। अब हम चलते हैं काउंटी ग्राउंड के ओडीआई हाईएस्ट रिकॉर्ड्स की तरफ, कि यहाँ पर टॉप 10 की लिस्ट में किस किस कंट्री ने कितना हाईएस्ट स्कोर बनाया है। तो सबसे पहले है इंग्लैंड ही, उन्होंने बनाए हैं 369 रन 9 विकेट्स में वर्सेस में वेस्ट इंडीज के। उसके बाद है इंग्लैंड 359 रन 4 विकेट्स में वर्सेज में पाकिस्तान के। फिर है पाकिस्तान 358 रन 9 विकेट्स में वर्सेज में इंग्लैंड के। फिर है इंडिया, इंडिया ने बनाए हैं 329 रन 2 विकेट्स में वर्सेज में केन्या के।
फिर से है इंडिया 329 रन 7 विकेट्स में वर्सेज में इंग्लैंड के, फिर है इंग्लैंड 320 रन 8 विकेट्स में वर्सेज में इंडिया के, फिर है इंडिया 304 रन वर्सेज में श्रीलंका के, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया 272 रन 5 विकेट्स में वर्सेज में इंग्लैंड के, फिर है इंग्लैंड 268 रन 4 विकेट्स पे वर्सेज में ऑस्ट्रेलिया के, फिर से 10th नंबर पर है इंग्लैंड 253 रन 7 विकेट्स में वर्सेज में ऑस्ट्रेलिया के। तो ये हो गए काउंटी ग्राउंड के ओडीआई हाईएस्ट स्कोर। अब हम चलते हैं काउंटी ग्राउंड के टॉस फैक्टर की तरफ। तो ओडीआई और टी20 इंटरनेशनल दोनों का ही हम टॉस फैक्टर भी देखते हैं। तो मैचेस फर्स्ट बैटिंग पर जीते गए हैं 12 ओडीआई में और बॉलिंग फर्स्ट करने पर 16। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 239 है, एवरेज सेकेंड इनिंग स्कोर 214 है। टी20 की बात करते हैं, फर्स्ट बैटिंग में एक मैच जीता गया और बॉलिंग फर्स्ट करने पर 5 जीते गए हैं। एवरेज फर्स्ट बैटिंग स्कोर फर्स्ट इनिंग स्कोर 149 होता है और एवरेज सेकेंड इनिंग स्कोर 148 होता है। तो यहाँ पर डिटेल्स देखकर और साथ ही साथ स्टैट्स भी देखकर यही पता चल रहा है कि इस पिच पर जो भी टीम टॉस जीतकर बॉलिंग चूज करती है ना, वो इस पिच पर जीतती ही जीतती है। क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि पेसर्स यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, साथ ही साथ जो फास्ट बॉलर होते हैं वो इस पिच पर धमाल मचा देते हैं। तो इसीलिए जो भी यहाँ पर टॉस जीतेगी टीम वो बॉलिंग ही चूज करने वाली है। तो गाइज ये हो गई हमारी पिच रिपोर्ट काउंटी ग्राउंड और उसके साथ ही इंडिया वुमेन वर्सेज साउथ अफ्रीका वुमेन के सेकेंड ओडीआई का मैच प्रिडिक्शन। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा हमारा वीडियो।